है कि जो लगातार 4 सालों से जो छात्र आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो केंद्र सरकार ने सिर्फ कॉन्फ्रेंस कर एक जो नियम उन्होंने लागू बना दिया कि हम 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती करेंगे, जिन्होंने पहले अपने फिजिकल जिनका पास है, जिन्होंने सिर्फ रिटर्न देना था, आज उनके सपनों पर पानी फेर दिया सरकार ने। पहले उनका कम से कम उनको तो एक मौका मिलना चाहिए, उनको तो भर्ती कर देना चाहिए, उनका तो रिटर्न लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने सिर्फ साफ कह दिया कि हम जो जिनका फिजिकल क्लियर है उनका हम रिटर्न नहीं लेंगे, हम जो नई परीक्षा योजना लागू की है उसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। आज उसके विरोध में हमने 3 घंटे तक रोड जाम किया है। अगर जो हमारी समस्या का हल नहीं होता तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 18 तारीख को कल हम एक अपने कपड़े उतार कर टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद 19 तारीख को फैसला करेंगे आगे जाने का, 20 तारीख को जंतर मंतर पर दिल्ली पर धरना देंगे। क्या कहना चाहोगे सरकार दिन-ब-दिन तो लगी फरमान जारी कर रही है? सरकार नहीं चाहती कि नौजवान देश की सेवा करे। सरकार चाहती है कि नौजवान सिर्फ नशे की लत में फंसे और नशे के अंदर ही डूबा रहे। पिछले जो इन्होंने योजना बनाई है इसके विरोध में कम से कम 40 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सिर्फ केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द उन बच्चों को मुआवजा देना चाहिए और जेल के फरमान अपना वापस लेना चाहिए। आगे की रणनीति कल भी प्रदर्शन है, उसके बाद 20 तारीख को हम पूरे बड़े लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर से हर एक स्टेट से संगठन आ रहे हैं और बड़ी स्तर पर जंतर मंतर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर अगली मीटिंग अगला फैसला लेंगे।